चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं प्रार्थितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वापदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंसः श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं दंशधीमं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणासिन्धो दीननन्दो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ताराधाकान्ता नमस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तु ते देवी प्रणमामि हयि प्रिये वाञ्छाकल्पतरो वक्ष्या कृपासिन्धो वैरच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर साधु और भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णु भवाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे हे विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे हरे कृष्ण सब भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के रविवार क्लास में। तो कृष्ण जागो कृपया जागो कृपया मेरे हृदय के मंदिर में जागो हे मंदिर हे माधव हे कृष्ण हे गोपाल हे सुंदर हे अति प्रिय हे गिरधरी लाल नवीन सूर्योदय के समान उलसित हुए प्रसन्नता पूर्वक चमकते हुए मेरे हृदय में कृपया जागो। वर्षा ऋतु की मूसलाधार वर्षा के समान मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। कृपया जागो हे तरुण किशोर हे सामने श्यामल हे श्री राधा के अति प्रिय प्रियतम कृपया मेरे हृदय में जागो। कृपया जागो हे ग्वालों के पालन करता हे यशोदा के परम प्रिय आओ कृपया आ जाओ हे माखन चोर हे मेरे प्राणनाथ कृपया आओ। हे तरुण बालक उलझ के धाम में राधा जी को अपनी वाणी और प्रकट करके कृपया मेरे हृदय के अंदर आ जाओ हे व्रज के रक्षक। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर भजन है। ऑफ कोर्स हम कोई संस्था को फॉलो करते हैं या किसी भी संप्रदाय में किसी भी दर्शन का किसी भी फिलॉसफी को हम पढ़ते हैं तो उसे कई बाहरी तरीके हैं कई अंदर के तरीके हैं। इस चीज को दो तरह से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है।
एक उसका बाहरी तरीका है, एक अंदर तरीका है। जैसे आप किसी के आपको किसी का जन्म दिन उत्सव मनाना है कि आज के दिन उसका जन्म हुआ तो उसका आज उसका गुणगान करना चाहिए, उसको अच्छा लगे, क्या करते हैं हम, केक काटते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, डीजे चलता है, डेकोरेशन करते हैं, क्या करने के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना। अगर देखा जाओ तो जन्मदिन का केक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन केक कहाँ, जन्मदिन कहाँ, लेकिन प्रस्तुत करते हैं उसको करने उसकी प्रसन्नता के लिए। बाहर से भी दिखावा करना पड़ता है, करते हैं, और पूरा संसार ही क्या है, देखो दिखावे की जड़। मैं क्यों बता रहा हूं कि पूछते हैं कि ये सब इतना ढोल बजा के, इतना हल्ला करके, एक तिलक लगा के, बड़े बड़े धोतियां पहनने से, शिखर रखने से भगवान मिलते हैं क्या, है ऐसे भक्ति होती है। अरे अंदर करो, जो भी रखना है अंदर करो, भाग क्यों खाते हो, ऐसी धारणा सुनने को मिलती है। जो भी करना है आप अपने मन पे करो, बैक करो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता। जैसे मैंने बर्थडे का एग्जाम्पल दिया, कब हो तो हैप्पी बर्थडे खत्म, केक काटने की जरूरत है, ये तो उत्सव मनाने की जरूरत है, शादी का ढंडोरा पीटने की क्या जरूरत है, लाखों रुपए कार्ड छुपाने की क्या जरूरत है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, कहा जी खत्म, कहा नहीं खत्म, नहीं कर सकते, लड़का राजी है, आप राजी हैं, तो काहले इतना खर्चा करना भैया, 15-15 लाख रुपये लोगों को, एक तो खिलाओ दूसरा हल्ला करो, क्यों करते हैं, कौन बताएगा, शादी का इतना व्यवस्था क्यों करते हैं, तो क्योंकि ईगो प्रॉब्लम आया तुम लोग, कम देंगे तो लोन देते, हमारा प्रेस्टीज खत्म हो गया, और कम दहेज देंगे तो लोन ले लो आप 15 लाख रुपया, लेकिन इज्जत कम नहीं होती, ठीक है, इनके भाव है, वेरी डिफरेंट थिंग। तो ये लड़का राजी है, आपकी लड़की दोनों शादी हो गया, आपका रिंग सेरेमनी कर दे, खत्म कहानी, शादी कर लो, और करना भी तो अपना घर ब्याह कर लो, मन में करो, पहले तो मन में करना चाहिए, दिखा ले के मन में करो, सब कुछ ठीक है। इतना नगाड़े पीटना, ढोल पीटना, डीजे लगाना, इतना व्यवस्था करना, टेंट लगाना, शगुन देना, गाड़ियां बुक करना, सेहरा लेके आना, साड़ियां लेके आना, बाप रे, ताम जब खुशी खुशी लोग पहले 2 महीने पहले करना शुरू कर दें, चलो मार्केटिंग करना है, हमको थोड़ा जाना है, शादी है, शॉपिंग करना है, जाना है ना, बोला जो छुट्टियां लेके आते हैं तो बोला देखती, एक दो 1-2 महीने पहले गाने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद भी शुरू हो जाता है, जश्न मनाया जाता है, शादी वाह। तो कोई पूछे भैया कि कोई मूर्ख बोले कि भैया क्या है ये, आराम से कर लो बैठ के, सबको पता चल पाता, पता चलेगा दोनों की शादी होगी, नहीं नहीं करते ना इसे, लेकिन प्रिपरेशन चलता है, क्यों और भक्ति में कार्य करते हैं तो बोले सोचा करते दिखाते हैं, देखिए एक तबड़ा तिलक लगा लिया इसे भक्ति दिखता है, तो इतना बड़ा कार्ड बना लिया शादी कैसे शादी देखते हैं, आज के वक्त लोग कार्ड का भी स्टाइल ही चेंज कर दिया, बड़ा बड़ा कार्ड देते हैं, छोटा मोटा कार्ड नहीं देने दे। वो एक प्रेस्टीज है, कार्ड भी एक अलग प्रेस्टीज है, कार्ड से पता चलेगा कि वो कितना धन है, कितनी बड़ी शादी करने जा रहे हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए नगाड़े बजा के उसे स्वागत करते हैं, मन में कोई इच्छा है तो प्रकट करते हैं, बाहर आप नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि आज मेरे यार की शादी, नाचते नहीं है लोग रोड पे भी नाचते हैं, बरात सब लोग सभी नाचते लोग, ऐसे लोग नाचे लोग तो कुछ लगा पागल है, पहले एक पागल है नाच रहे, ऐसे नाच रहे, बहुत मेरे यार की शादी है, नाचते हैं लोग,
माता भी नाचती है, प्रभु भी नाचते हैं, सब नाचते हैं ना। और किसी को कुछ अपना कोई ध्यान नहीं रखते, मैं डॉक्टर हूँ, जब मैं इंजीनियर हूँ, जब मैं क्या हूँ, सब अपना अपना उपाधियां छोड़ के एकदम सब नाच करते हैं कि नहीं रोड पे। आजकल तो कोई नाचता नहीं है, तो अंदर ही नाचते हैं, लेकिन मैं देखा है गाँव में शादी के साथ लोग नाचते हैं तो बाहर एकदम ढोल बजा कर ठंड ठंड टक टक ठंड ठंड नहीं करते हैं, और सब प्रभु नाचते हैं, माता नाचती है, और बैंड बजाते। एक संसार के व्यक्ति के लिए इतना जश्न मनाया जाता है, तो ठाकुर जी के जब कीर्तन होते तो नाच सकते हैं, वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको तो पूरे संसार को स्वागत करना चाहिए। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम जगन्नाथ, स्वागतम जगन्नाथ, स्वागतम जगन्नाथ, स्वागतम स्वागतम शरणागतम जगन्नाथ, खर्चा करते हैं तो भगवान के जन्माष्टमी में कितना खर्च करना चाहिए बताइए, कितना खर्च करना चाहिए, लेकिन जब वहां खर्च करते हैं तो लोगों को टेंशन हो जाती है, क्या इतना बड़ा करना शुरू करते हैं भगवान के लिए, गरीबों को खिलाना चाहिए, बताओ इससे क्या होगा, गरीब मर रहे हैं, भूखों को खिलाना चाहिए। अच्छा अपनी शादी में तब भी तो भूखे जाते रहते हैं, गरीब जाते हैं तो मदन में आके जा जाते हैं, गरीबों की याद कहाँ आती है, अपने डाइनिंग टेबल में आती है ये देखिए, और हमको मूर्ख बनाते हैं लोग। अरे ठाकुर जी के लिए पूरा विश्व तैयारी करना चाहिए, भव्य तो होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं भैया, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, जितना भी कर लेंगे तो भी हम देवी देवताओं से कम ही करेंगे, वो तो सोने का सब कुछ लेके आते हैं भगवान के लिए। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सैव्यमानम गोविंदवादि पुरुषम तमाम, हजारों लक्ष्मियां, अरे वैकुंठ में कुछ गंदगी है नहीं, अभी झाड़ू लेकर मारते रहती है ठाकुर जी से बात है, ऐसा करते व्हाई नॉट, जगन्नाथ जी क्यों स्वागत होना चाहिए, जन्माष्टमी क्यों नहीं करना चाहिए, गौर पूर्णिमा भव्य निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए, क्या मतलब, एक तुच्छ जीव अपने संसार में एक भोग विलास करने के लिए इतना कुछ कर सकता है, परम पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान क्यों नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभु स्वामी जी ऑलरेडी इतने सारे मंदिर हैं, आप मंदिर क्यों बना रहे हो, अरे पुराने मंदिर को रिनोवेट करो, अरे इतने मंदिर बरेली में इस कौन मंदिर अलग से बनाने की जरूरत है, नहीं पूछते, इतने मंदिर है कि नहीं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आर यू मैरिड, प्रभुपाद जी तो कैसे आ सकते हो आप शादीशुदा है, बच्चे हैं बोला हाँ, आपको बच्चे पता करने की जरूरत है, तो सारे बच्चे हैं बाहर, तो बच्चे हैं ना सारे, आप जाइए ऑर्फेंस क्या बोलते हैं उसको, ऑर्फेंस अनाथ आश्रम में जाइए, इतने बच्चे मिलेंगे आपको, लेके आइए पालिए,
अच्छा प्लान है ना। आपको लग से कितने बच्चे घूम रहे, वैसे ओवर पॉपुलेशन होता जा रहे हैं। आप शादी करो, चुप रहो और जो हम बच्चे लेके आओ बाहर से उसको पालो, अपने बच्चे पैदा करने की जरूरत। चुप हो गया आप सब बात करो, अपना लाइफ स्टाइल छोड़ है वो आके सिखाता है। वो तो लगता है मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, वो ज्यादा मैं सोचता हूँ भगवान के बारे में, जनता के बारे में। घर से सोचने में टेंशन नहीं है, दूसरों में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं किसी के लिए। संसार के मरे भाड़ में जाए लोग, क्या करे, शराब पिए, ड्रग में जाए, जुआ खेले, रेप करे, हमको क्या लेना। हमारे बच्चे की नौकरी लगनी चाहिए, हमारी बेटी की शादी होनी चाहिए, हमारा घर बनना चाहिए और हमारी गाड़ी आ जानी चाहिए, बस छोटा परिवार सुखी परिवार, बस हो गया। क्या होगा मतलब किसी से लेना देना। इसे भागवत में बोला सुखदेव गोस्वामी, द्वेषी हाउस होल्डर, एंडवियस हाउस होल्डर, द्वेषी गृहस्थ, द्वेष रहता है। कहना मतलब ठाकुर जी का पूजा होना चाहिए, गुणगान होना, गाड़े बड़े होना चाहिए, एकदम सब सिटी को लगना चाहिए, क्या नहीं ठाकुर जी सेवा करने के लिए। निद्रा हरिये ते नक्तम वया एवा वाचया दिवाचर्थे हिया राजन कुटुंब भरने न, बोलते हैं पूरा संसार लगा हुआ क्या करने के लिए। निद्रा हरिये ते नक्तम, पूरा रात निकल जाता है सोने में और काम इच्छुक पूरी करने में, पूरा संसार निकल जाता है पूरा सोने में रात को, और सुख पूरी रात को सोने में और काम इच्छा पूरा करने में, और दिन दिवाचर्थे हिया राजन, दिन हुआ तो क्या, दिवाच अर्थे हिया राजन, दिन उठे हुआ तो अर्थ के पीछे भागना शुरू कर दिया, कहां माल 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 कहां है। दिवाचर्थे हिया राजन किसके लिए, कुटुंब भरने, कुटुंब को भरने, कुटुंब मतलब परिवार को भरने के लिए लग रहा है। कहा तो मिलेगा, क्या देख रहे लोग, वो भी झूठा ही नहीं बोला, झूठे नहीं है। अब है तो जो झूठ वो करना ही है ना इसको, लेकिन उसी को भी जीवन का लक्ष्य मान के पूरा जीवन निकालना, ऐसा ग्रस्त आश्रम नहीं है, ये नहीं है, एक गृह विद्या आश्रम। शास्त्र में तो बहुत कुछ बताया गया है, गृहस्थ आश्रम आसान बात नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको खाना बनाया है, आपको बाहर दरवाजे पे बोलना पड़ेगा उठ के तीन बार जोर जोर से, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। अगर कोई नहीं आया तब खाना है आपको, यह है आइडियल गृहस्थ। है कि नहीं, घर के चूहे घर के मक्खियां चोरी करते हैं उसको खिलाना है, मान लो 10 संत आ गए तो पैटर्न को खिलाना है, मालूम है ना। तो कभी कभी एक वक्त बोला बेटी धीरे से बोल सकते हैं क्या, कोई है, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, बोल दी तीन बार मैं जोर से बोल रहा है। एनी वे आज कल भी आएगा नहीं खाने के लिए, भी नहीं आएगा है ना, वो लोग सोचे पड़े क्या मिला खिला देंगे भैया। टेंशन, वैदिक संस्कृति जो है वो बहुत उच्च कोटि की संस्कृति थी, भगवान रामचंद्र जो आदर्श प्रकट किए, जो रामायण में है महाभारत में है, क्या फैमिली लाइफ होता है वो कोई रामायण पढ़ेगा तो पता चलेगा, यहाँ इतना घनिष्ठ प्रेम और त्याग और बलिदान अपस्त। लक्ष्मण की पत्नी क्या नाम था उसका, उर्मिला, तो उर्मिला को जो है मैं एक कैरेक्टर बताऊंगा, भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास होगा, बोले मैं साथ जाऊंगा, जाऊंगा छोड़ के, बोला पिताजी ने बोला है तो जाऊंगा। माता सीता साथ में जाने लगी, भगवान बोला नहीं जाना, कैसे रखेंगे, तो आप लोगों को पता है सारा कुछ, वो काफी वार्तालाप हुई थी, अपने धन में नहीं हूँ, आपने साथ में ले वचन दिया है तो जहाँ आप जाओगे मेरा धर्म धर्म के साथ में जाओ। भगवान बोले नहीं नहीं, जंगल में इतने कांटे होंगे, तरह तरह की झाड़ियाँ हैं, तरह तरह के राक्षस मिलेंगे, जीव मिलेंगे काटने वाले, बड़ा दिक्कत हो जाएगा।
हे प्रभु जहाँ आप सोएंगे हम भी वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे साथ में। इसको क्या पहले दोनों में झगड़ा हुआ कि है कि नहीं कि दोनों जाना चाहते हैं, पत्नी इतनी तरह के जाना चाहती है कि वो पति इसको लेकर जाना चाहता है, ये लड़ाई चल रही है। और फिर लक्ष्मण, लक्ष्मण मैं दोनों कैसे छोड़ सकता हूँ, मैंने आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, वो झगड़ा चल रहा है कि नहीं। लेकिन हम तो बोला जी तुम जाओ भैया, आपको मत बोलो, हमारा प्रोग्राम से खाएंगे आपसे। सैक्रिफाइस स्पिरिट बता रहा हूँ, त्याग की भावना बता रहा हूँ आपको गृहस्थ लाइफ के अंदर। ब्रह्मचर्य गृहस्थ की बात, सन्यास की बात नहीं कर रहा, तो है ही फैमिली की बात कर रहा हूँ, उस आदर्श की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी बोले मैं तो जाऊंगा, और भी लगा पता बोले मैं भी जाऊंगा साथ में, मैं भी जाऊंगा। तो क्या तो पूरा पास्टर है, मैं जो बात बताना चाहता था कि लक्ष्मण ने वॉ ले लिया 1400 का नहीं, दिन रात सेवा करूंगा प्रभु भगवान। दिन में भी क्या करते थे, सेवा करते थे, जहां जहां सीता राम जाते सेवा करते, सेवा भाव जाते थे, इतना सेवा भाव है। आप सुनो बात, और रात को पहरेदारी है कि नहीं, थक जाते थक नहीं जाते, एक तरह सोए 14 साल तक लक्ष्मण सोए नहीं। जैसे से पहले वॉल लिया उसने प्रण लिया कि मैं सोऊंगा नहीं, निद्रा देवी सामने आ गई, प्रभु ये क्या कर रहा हूँ, सोऊंगा नहीं, बोले ये तो प्रकृति को उल्टा हो देगा है कि नहीं। जो संसार में आया तो नींद आएगी, सोएगा सोएगा, कथा में सोए थे सोते रात को, सुबह रात में तो सोया, फिर सोया सुबह है कि नहीं, तो प्रवचन होगा फिर सोएगा, फिर खाएगा फिर सोएगा, सोना तो रहते ही है, नींद आता है। तो प्रभु ऐसा तो नहीं हो सकता, तो बोला कि बातों की अच्छी है, आप ऐसा करो मेरी पत्नी से बात कर लो जाके, क्या कर लो मेरी पत्नी से बात करो, उर्मिला से लेकर बात कर लो, वो आपको समाधान दे देंगे। उसको बोल दे बोलो कि वो सो देगी मेरी, तो मेरे ऐसे में वही सो जाएगी। आप सुनो बात करो, सोना भी आप 12 घंटे सो नहीं सकते हो, आप उनके पास गए तो उसे स्वीकार किया, बोलो बड़ा बोले ठीक है, अब मेरे प्रभु की ये इच्छा है, मेरे पति की ये इच्छा है, तो क्या कर सकते हैं। तो रात को अपना सोती थी, दिन में उनका सोती थी, मतलब 14 साल तक सोती रही, तो सोती रही। इसे बता रहा कि ये सब कथा से सुनने से कौन सुनाता है, कौन सुनने में तो कुछ सुना सुनना नहीं चाहता, वो कुछ सुनना चाहते हैं तो कुछ सुनाने वाला नहीं है। जो व्यक्ति सुनता है, जो व्यक्ति देखता है, जो व्यक्ति लोगों को जज करता है, उसी के साफ सुथरा चरित्र बनता है ना। जिन लोगों के साथ रहते हैं हम, जिन लोगों से मिलते हैं हम, जिन लोगों को देखते हैं, जो देखते हैं, जो खाते हैं, वही करेंगे ना। अब कभी ये कभी सुना ही नहीं, बचपन में लोग खुला सुनते थे बैठ बैठ के, शाम को डेली रामायण कथा होना चाहिए सुनते थे, तो सुनते सुनते हृदय के अंदर कहीं ना कहीं कभी इच्छा आ जाती है क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भावना तो आएगी, अरे नहीं आ जाए, लेकिन सिस्टम में सेट हो रहा है ना, ये जरा आ जाए आपकी भावना, पूजा की भावना होता है। और सोचते रहिए कुछ बोला नहीं, और भरत की पत्नी को पता ही नहीं क्या हो गया, उधर उनको पता ही नहीं कि मन में आस हो गया, वो क्या कर रही हूँ भगवान श्री राम का और सीता का फोटो बना रही, शी वाज अ वेरी गुड पेंटर, वो इतनी अच्छी पेंटिंग, तुमको बताया कि ले जाओ तो उधर तो कांड हो गया, उधर वो तो प्रभु का फोटो बना रही कि सीता माता, सीता मैया जब राम जी के साथ बैठेंगे सिंहासन पे, जब उनका राज्य अभिषेक होता कैसे लगेंगे,
वो नहीं सोचते थे कि मेरे पति बने, सारा प्रॉपर्टी उसको दे दिया हमारा हमको दे दिया गांव वाला, हमको दे दिया सिटी वाला, एक जी कुछ करो ना, एक जी सब चले इसे झगड़े हैं घर में, किसी का झगड़ा एक एक इंच का झगड़ा है। कुछ पता चला कि ये केस बन गया, बाप रे शिट, लिटरली क्राई डाउन, ऐसे कैसे हो सकता है। भरत जो है बिल्कुल कंप्लीट इनोसेंट। देखो सब लोगों को अयोध्या वालों ऐसे भी लगता था कि इसने पॉलिटिक्स किया राम के साथ में, इसलिए भरत 2:30 बजे उठ के जाते थे स्नान करने के लिए मॉर्निंग में, सरजू नदी नदी में जो 2:30 बजे जाते थे, क्योंकि लोग जैसे उनको 4 बजे देख लेते पत्थर मारने शुरू करते थे कि तुम्हारी माँ ने को डाला के हिसाब से तुम तुम्हारे लिए। सुनो बात को कि लोग परेशानी ना हो, लोग मेरे ज्यादा अपराध नहीं, तो भरत सुबह जाते थे 2:30 बजे स्नान, सरजू नदी में स्नान करते 2:30 बजे मॉर्निंग में जाते थे, वो पीछे पड़े जाते थे। तो नरस्य अभ्रम रूपम, रूपस अभ्रम ज्ञानम, ज्ञानस अभ्रम क्षमा। बचपन श्लोक सीखे थे हम कि नर का व्यक्ति का सबसे बड़ी सुंदरता है उसका रूप, सबसे उसका ऑर्नामेंट है क्या, उसका रूप, और रूप से भी ज्यादा बढ़ के है उसकी क्या, रूप से भी ज्यादा बढ़ के होता है ज्ञान, और ज्ञान से भी सबसे बढ़ के होता है क्षमा। उस रूप सुंदरता का कोई फायदा नहीं है और उसके अंदर गुण नहीं है, तो वो गुण आते हैं ज्ञान से, और ज्ञान से क्या आता है, एक क्वालिटीज आती है ज्ञान से। तो ककई जो इतनी सुंदर थी ककई कि राजा दूसरों के रानी के घर में जाते, मतलब कब जाते थे, जाने लग रहे थे, ऐसा बोलते जाने लग जाते थे, ककई से ज्यादा मिलने जाते थे, ककई बहुत सुंदर थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, सारे उसको मानते भी थे। लेकिन भगवान को ये दो वरदान श्राप देने के बाद, ये दो डिमांड्स देने के बाद, पहला क्या था, भरत का राज्याभिषेक और राम का, इतनी सुंदर थी वो बाहर से, लेकिन ये दो वर मांगने के बाद अयोध्या का एक ही व्यक्ति उसकी शक्ल देखना चाहता था। बोलो हरे कृष्ण। क्यों? हाँ, रूपस्य अभ्रम गुणम,